बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बख़ैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, वहीं दूसरी जानब हुकूमत इस फैसले की, इस हुक्म की हुक्म अदूली करके घर जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जारी बात है सियासी शहीद तो बनना है। इमरान खान साहब ने सारे मामले में कौम से खिताब भी कर लिया है, अदलिया को बड़ा वाजे दो टोक पैगाम भी दे दिया है और अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर दी है। लेकिन इस सब में जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि जमान पार्क, जहां पर इमरान खान साहब इस वक्त मुकीम है, वो वजीर आजम हाउस में तब्दील हो चुका है, यूं लग रहा है। एक जानब तो अब तैयारी शुरू कर दी गई है हुकूमत में आकर क्या करना है उसकी, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। अमरीकी वफ्द जो है उसने कप्तान से एक हंगामी मुलाकात की है और अब अमरीका के साथ मामलात का क्या इस वक्त पहलू है, ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और ये सबसे बड़ी खबर है, इसकी इंपॉर्टेंस मेरे नजदीक बहुत ज्यादा है। जबकि दूसरी जानेब इदारों की तजहीक के मामले पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इस वक्त मुश्किल में फंस चुकी हैं और पाकिस्तान की हुकूमत जो मौजूदा है उसे IMF ने एक तारीखी रगड़ा लगा दिया है और एक नई हिस्ट्री या फिर एक नई तारीख रकम हो गई है इस हुकूमत के ऊपर या किसी भी हुकूमत के ऊपर IMF की बेएतबारी की या ट्रस्ट डेफिसिट की। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं और सबसे बड़ी खबर जो है वो अमरीकी वफ्द वाली है। सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम तरीन कौम से खिताब किया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि वजीर कानून ने शर्मनाक बयान देकर अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की और अपने खिताब में इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी फजा बनी हुई है कि शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट को अपनी जमात और कौम की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान ने कहा कि अमीर मुल्क में इंसाफ कानून की हुक्मरानी है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला किया। पहले भी ऐसे फैसले होते तो पाकिस्तान खुशहाल तरीन ममालिक में होता और पाकिस्तान एक इंतहाई खुशगवार मुल्क होता। इमरान खान साहब ने सब के अंदर और बड़ी बातें की। इमरान खान साहब ने कहा कि नून लीग आजाद अदलिया को कभी पसंद नहीं करती, मुल्क में फजा बनी हुई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। जब सुप्रीम कोर्ट पर इन लोगों ने हमला किया था, लोगों में शऊर नहीं था, शऊर ना होने की वजह से कुछ अरसे बाद मामला खत्म हो गया था। आज सोशल मीडिया के दौर में 1 घंटे में सब पता चल जाता है, इसलिए ये लोग बेनकाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नजर हमने जेल भरो तहरीक को खत्म कर दिया है, हफ्ते की शाम से हम इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहे हैं। हफ्ते को मैं बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ मुल्क को मुश्किलात से निकालने का जो रोड मैप देगी वो किस तरह का देगी। और इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि नून लीग आजाद अदलिया नहीं चाहेगी, ये इंसाफ से भागते हैं। आलमी क्रेडिट एजेंसी की रेटिंग में पाकिस्तान सबसे नीचे है, कर्जे कैसे वापस करने हैं हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं, हमें कुचलने के लिए जो कुछ किया गया ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। मीर जाफर और मीर सादिक ने बाहर की कुव्वतों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की और गिराने की गद्दारी की, गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल किया मीर जाफर और मीर सादिक के लिए, और बैरूनी ताकतों का जो जिक्र है इमरान खान उस मौकफ से पीछे नहीं हटे। यह चीज इसे आप हाईलाइट करके अपने जहन में रख लें और वीडियो के एंड तक जहन में रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो अमरीका के वफ्द के साथ मुलाकात है उसे आपने इसी तनाजुर में देखना है कि इमरान खान अपने इस मौकफ से पीछे नहीं हट रहे। और इस सारे मामले में इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे इस्लामाबाद तलब किया गया, कारकुनों ने तो आना था क्योंकि कातिलाना हमले के बाद पहली बार इस्लामाबाद आ रहा था, कारकुनान पर दहशत गर्दी के पर्चे काट दिए गए, मुझ पर मजीद 2 केसेस बना दिए गए, मुझ पर अब तक 74 केसेस बनाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन के बाहर हमने एहतजाज किया, दहशतगर्दी के केसेस बने, मैं घर पर रोता हूं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस बन जाते हैं। ये सारी चीजें खान साहब ने कही हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने यह भी पूछा कि अगर मुझे कुछ हो गया या मुझे एक मरतबा फिर मरवा सकते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा।
और ये कह रहा हूं कि मेरे ऊपर हमले का खतरा है, और दो नाम ऐसे हैं जो इमरान खान को अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो फिर उन नामों के ऊपर से इमरान खान ने जो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया हुआ है उन नामों के ऊपर से भी पर्दा हट जाएगा। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं हाईकोर्ट पहुंचा, पुलिस सिक्योरिटी भाग गई, क्या मेरी हिफाजत राणा सनाउल्ला करेंगे, पुलिस उनके मातहत है, नवाज शरीफ बीमार थे तो हुक्म आया कि उनको कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा, पूछा था ना कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया उनकी जिंदगी की गारंटी दो, तो इमरान खान ने कहा मुझे बताएं मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, मुझे अदालतों में अगर बुलाया जाता है, और इस तरह से वहां से सिक्योरिटी देने वाले भाग जाते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इमरान खान साहब ने कही हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको पता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद गरामी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ट्रेडिशंस पर और उनकी रिवायात को बहुत अच्छे तरीके से जिंदा रखे हुए हैं, और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर एडिट करवा के उस दौर में जब लोगों को एडिटिंग का पता भी नहीं होता था जहाज़ों से फेंकवाई गई, किरदार कुशी की गई, अब ऑडियो वीडियो के ऊपर फ़ख्र किया जाता है, खबर आ चुकी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो हालिया कॉन्फिडेंस है उसके पीछे ऑडियो वीडियो टेप्स जो हैं उनका एक नया ज़खीरा भी है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त पता चल रही हैं और इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत से मामलात वाज़े होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त एक तो आपको पता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनके खिलाफ एक दरखास्त लैया में दायर हुई थी। अब सखर की मकामी अदालत ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को इदारों की तजहीक के इल्जाम में नोटिस जारी कर दिया है। सखर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मरियम नवाज के खिलाफ इंदराजे मुकदमा की दरखास्त पर समाप्त की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। अदालत ने एसएचओ मॉडल टाउन, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम और एसएसपी सखर को भी तलब कर लिया। पीटीआई सखर के जिलाई सदर जहीर बाबर ने मरियम नवाज पर मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज ने जलसे में तकरीर करके इदारों के खिलाफ बात की, उन्होंने अवाम को इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश की। अब यह बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है, जाहिरी बात है आपको पता है कि उनके पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तो कोई बंदा करे तो कोई भी मुहब्बे वतन शहरी जाग जाता है और फिर उस बंदे को जलीलो ख्वार किया जाता है और दर बदर किया जाता है, नंगा किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और ये सब कुछ होता है। अब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर IMF ने बड़ा अहम इस वक्त एक इकदाम किया जो बड़ा हैरान कन है, और नई शराइत जो है वो पाकिस्तान के लिए सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए गैर मामूली सूरत हाल का सामना है और ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता, ये याद रखिएगा। ज़राए के मुताबिक IMF की तारीख में पहली बार स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले शराइत पर अमल दरामद का कहा जा रहा है। तारीखी तौर पर एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से पहले पेश की शराइत पर अमल दरामद की शर्त होती है। प्रोग्राम बहाली में पाकिस्तान को 1998 जैसी सूरत हाल का सामना है। ज़राए ने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस पॉलिसी का हर रोज पाकिस्तान को नया ड्राफ्ट दिया जा रहा है। IMF के पहले से मुत्तफिक शिकों में तब्दीलियां करके मजीद मुतालिबात IMF पेश कर रहा है। ज़राए का कहना है कि IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान पर मजीद 4 शराइत का दबाव है। IMF की शराइत के मुताबिक बिजली 3.82 रुपए फी यूनिट करना होगी, सरचार्ज 4 माह के बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर आयद करना होगा। ज़राए ने कहा कि वजारत खजाना 4 माह के लिए सरचार्ज आयद करने के लिए तैयार है, लेकिन IMF सरचार्ज मुस्तकिल बुनियादों पर आयद करने के लिए बजिद है। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल ही शरे सूद में इजाफे का मुतालबा बरकरार है। ताहम स्टेट बैंक ने शरे सूद में इजाफे के लिए मॉनिटरी पॉलिसी बोर्ड का इजलास 2 मार्च को तलब कर लिया है। IMF ने शरे सूद हेडलाइन के मुताबिक मुकर्रर करने पर इसरार किया है। पाकिस्तान की शरे सूद को महंगाई के मुताबिक मुकर्रर करने पर तैयार है पाकिस्तान, लेकिन IMF एक्सचेंज रेट को अफगान बॉर्डर रेट से मुंसलिक करने का ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर भी IMF तहरीरी यकीन दहानी के लिए बजिद है। तो आप समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त कोई सहारा देने के लिए भी तैयार नहीं है और पाकिस्तान को इस वक्त कोई भी इस चीज से निकालने के लिए तैयार नहीं। शवाशिफ साहब तो बड़े वो थे ना कि चाइना ने मदद कर दी थोड़ी सी, अब IMF हो जाएगा, ये हो जाएगा। IMF ने आज तक अपनी तारीख में ऐसा नहीं किया कि स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले वो कह दे कि सब कुछ पहले पूरा करो फिर हम बताते हैं। नाक से लकीरें जो है वो रगड़वाई जा रही है उस हिसाबदार को जो कहता था IMF के मैं इनके साथ पूरी जिंदगी डील करता हूं। करो ना भाई डील, अब आम का भरकस निकाल दिया तुमने, खुदा का खौफ करें। इस मुल्क के साथ आपने अपने केसेस माफ करवाने के लिए जो खिलवाड़ की है वो ये आवाम नहीं भूलेगी। सड़क पे जाके निकले और लोगों से पूछें तो सही उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान को इस वक्त चीन के अलावा किसी भी दोस्त की तरफ से वाज़े कमिटमेंट नहीं मिल सकी। चीन की तरफ से $700 मिलियन पहले ही पाकिस्तान को मिल चुके हैं और इस सब के अंदर $1 अरब 30 करोड़ तीन एक साथ में चाइना तो दे रहा है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की मदद करने के लिए इस वक्त कोई तैयार नहीं है। ये सारी चीजें अपनी जगह, और इस तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया है।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो प्रेस रिलीज जारी किया है इसमें इमरान खान साहब के हवाले से एक मुलाकात है और इस मुलाकात की फुटेज भी है। रियासत कैलिफोर्निया के पार्लियामेंट्री वफद की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात, वफद में स्पीकर, मेजॉरिटी लीडर समेत अहम अफराद शामिल थे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने अमरीकी वफद से मुलाकात में अमरीका के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अमरीकी वफद ने जमान पार्क लाहौर में इमरान खान से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। अमरीकी वक्त में कैलिफोर्निया पार्लियामेंट के मेंबर क्रिस होल्डन, मेंबर पार्लियामेंट वेंडी कैरी लू, मेंबर पार्लियामेंट माइक गिब्सन और मेंबर पार्लियामेंट रेजोलिस शामिल थे। इमरान खान से मुलाकात करने वाले वक्त में डॉक्टर आसिफ महमूद समेत चार पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन सिटीजन जो है, ओवरसीज पाकिस्तानी आप कह लें या पाकिस्तानी ऑरिजिन के अमेरिकन जो है वो शामिल थे। जराए के मुताबिक वफद से मुख्तसर मुलाकात के बाद इमरान खान ने अमरीकी मेंबर पार्लियामेंट से अलग मुलाकात भी की। अलग होने वाली मुलाकात के वक्त डॉक्टर आसिफ महमूद भी मौजूद थे। जराए का बताने के मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुस्तकबिल में अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है उनकी ख्वाहिश का इजहार किया है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इमरान खान साहब बीबीसी को इंटरव्यू में ये बात कर चुके हैं कि मुल्कों के साथ ताल्लुकात में जाति अना या जाति मामलात को नहीं लाया जाता। और इमरान खान साहब की वजह से उस बयान को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि इमरान खान अमरीकी साजिश के बयानियों से पीछे हट गया। इमरान खान नहीं हटा। इमरान खान ने उस वक्त यह कहा था कि मुझे पहले लगता था कि अमरीका ने यह पूरी की पूरी साजिश पाकिस्तान पर नाफिज की है, लेकिन कहानी यह है कि हुआ वही है जो मैं पहले कहता था, लेकिन इसकी हायरार्की और इसका असल जो गेम प्लान है वो अब वाज़े हुआ है, एक्सपोज हुआ है कि मुल्क में बैठा एक मीर जाफर था जो अमरीका को बताता था कि सब कुछ खान अपनी मर्जी से कर रहा है, खान को कहता था कि हमारा मुश्तरका फैसला है, अमरीका के सामने खान को विलन बनाता था और फिर अमरीका को कहता था कि यह रह गया तो भाई तबाही हो जाएगी और अमरीका ने फिर उसके साथ मिलकर कार्रवाई डाल दी। क्योंकि खान साहब ने आज भी कौन से खिताब में और इस वफ़द से मुलाकात के बाद खिताब में कहा है कि बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर साजिश हुई, तो वो बयानियां खान साहब नहीं छोड़ रहे। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ये बात वाजे कर चुके हैं कि मैंने लड़ाई जो है वो इन टर्म्स के ऊपर तो नहीं करनी कि मैं अपने मुल्क के मामलात जो है वही खराब कर दूं और अपनी अना और अपनी लड़ाई के पीछे पाकिस्तान जो है उसके लिए चीजें जो है वो खराब हो जाएं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।